के दिवंगत सीएम जयललिता पर आयोग की रिपोर्ट पर अब सवाल उठ रहे हैं। AIADMK से निष्कासित नेता वीके शशिकला ने इस पैनल की रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने कभी भी इलाज में इंटरफेयर किया ही नहीं, यानी दखल अंदाजी उन्होंने पूरे इलाज के दौरान नहीं की, ऐसा शशिकला का कहना है। जयललिता की करीबी माने जाने वाली शशिकला ने कहा कि वो जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तमिलनाडु के लोग उनकी मौत के बाद इस तरह के राजनीतिकरण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारे सहयोगी श्री प्रपंच इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्री प्रपंच, इस रिपोर्ट का सबको इंतजार था, कल विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश भी की गई, हालांकि इस रिपोर्ट में शशिकला का जो रोल है उस पे अब सवाल उठ रहा है, हालांकि शशिकला ने पलटवार भी किया है, खासतौर पे इस पूरी रिपोर्ट को एक राजनीतिकरण करार दिया है। आपको बताएं कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद OPS और EPS के बीच में एक तनाव था, तकरार आई और दोनों इनफैक्ट फिट हो चुके थे और इनके मर्जर का एक इनफैक्ट पॉइंट था कि उनको इनफैक्ट जयललिता के निधन का प्रोब करना होगा। उसके बाद आर्मुगम स्वामी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसके बाद जब हम देख सकते हैं 4 साल के बाद ये रिपोर्ट कैबिनेट इनफैक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट को सबमिट किया गया था जस्टिस आर्मुगम स्वामी के द्वारा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कल इस पूरे रिपोर्ट को टेबल किया गया था तमिलनाडु असेंबली में। उसमें कई सारे सवाल उठाए गए थे, उसमें पहली पॉइंट ये है कि उसमें जेल शशिकला उनके डॉक्टर जो रिलेटिव शशिकला के रिलेटिव और डॉक्टर हैं शिवकुमार, हेल्थ सेक्रेटरी पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी राधाकृष्णन और पूर्व मंत्री विजय भास्कर एट फॉल्ट पर हैं, मतलब उन्होंने कुछ गलती की है, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। और साथ ही साथ उनने ये भी सवाल उठाया कमीशन ने कि मुंबई और UK और USA के डॉक्टर ने एंजियो सर्जरी परफॉर्म करने के यहाँ पे इनफैक्ट सलाह दी थी, मगर उन सलाह को इनफैक्ट किसी प्रकार का फॉलोअप नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि डॉक्टर US के डॉक्टर समीन शर्मा ने पूर्व CM जयललिता को कन्विंस भी किया था एंजियो सर्जरी करने के लिए, और रिचर्ड मिले जो UK के डॉक्टर हैं वे तैयार थे उनको अब्रॉड ले जाने के लिए, मगर ये किसी भी इनफैक्ट इश्यू को मटेरियलाइज नहीं किया, ऐसा उस रिपोर्ट का कहना है। साथ ही साथ डेट जो है उस पर भी कई सारे सवाल उठाए, क्योंकि जो अपोलो हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया बुलेटिन था उसमें 5 दिसंबर 2016 में उनका रात को 11:30 बजे उनका निधन हुआ था, ऐसा उस बुलेटिन में जारी किया गया था। मगर देख सकते हैं कि इस विटनेस के स्टेटमेंट के जरिए आर्मुगम स्वामी कमीशन ने ये इनफैक्ट कहा है कि एक डिस्क्रिपेंसी देखी जा रही है, क्योंकि 4 तारीख को ही बिटवीन 3 PM और 3:50 PM उनका इनफैक्ट निधन हो सकता था करके ऐसे रिपोर्ट में कह रहा है। और साथ ही साथ रात को शशिकला ने इनफैक्ट एक स्टेटमेंट जारी किया था, उस स्टेटमेंट में ये कहा है कि जितने भी उनपे आरोप लगे हैं सभी गलत हैं और उन्होंने कभी जयललिता के जो ट्रीटमेंट है उसमें इंटरफियर नहीं किया था। उन्होंने कहा कि 30 साल में उनके साथ किसी भी प्रकार के उनके रिलेशनशिप के बारे में सवाल उठाना ये बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा था कि एनजीओ के बारे में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी उन्होंने नहीं की थी, ये एक डॉक्टर्स ने साथ मिलकर एक एम्स के डॉक्टर के साथ ही इस विषय पर निर्णय लिया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे कोई भी प्रकार के अगर सवाल उठाए जाते हैं तो उनके अगर कमीशन होती है तो कमीशन को फेस करने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। जी श्री प्रपंच, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें शशिकला के भतीजे और नेता TTV दिनाकरन ने भी इन दावों का खंडन किया है और कहा है कि मौत स्वाभाविक थी। நான் பல ஆண்டுகளாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன், இது மக்களின் வரிப்பணத்தை அரசியல் காரணங்களுக்காக வீணாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஆணையம்னு அதை தாண்டி என்னுடைய அன்றையிலேருந்து சொல்கிறேன். அம்மாவுடைய அந்த மரணம்ங்கிறது அவங்க நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தாங்க, இயற்கையான மரணம் தான், அதுதான் உண்மை, அதுதான் என்னுடைய கருத்து। उधर जयललिता की भतीजी आपको बता दें दीपा जयकुमार ने आरोप लगाया है कि हमेशा साजिश रची जा रही थी और शशिकला पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। द कॉन्स्पिरेसी वाज ऑलवेज देयर अकॉर्डिंग टू मी, देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी इवन मच अर्लियर देन 2016 दैट शशिकला एंड द फैमिली वर प्लानिंग टू do something intentionally to her or get rid of her or take over whatever they wanted, the party or whatever.
So I think the probe needs to be conducted from that point itself, not only from the date of admission to Apollo or the things that were followed. और वहीं आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषक सुमंत सी रमन ने पैनल की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अंतिम फैसला डॉक्टर्स को करना है। Look, at the end of the day, it is for the doctors to make a call. And as far as Shashikala is concerned, if there were any questions about her role, she should have been summoned. Now, here is a commission of inquiry which virtually indicts her and says that further inquiry must be done into her role, which has not even called her for investigation, for questioning. So I think that this raises a lot of questions, mostly about the report itself.